हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश यूनिट 9 पार्ट 2। तो मैंने आपको अगले वीडियो में आपको मैंने सिखाया था क्लाउड्स, बादलों के बारे में, और जो पोएम थी, जो कविता थी, वो भी मैंने आपको समझा दी। उसके बाद जो न्यू वर्ड थे वो भी फिर क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए थे। तो आपको जो आगे का है वो आपको फिर से रिवीजन करवाता हूँ। गर्मी का मौसम है और जो बादल है वो नीले पड़ गए। हर कोई जो पीपल है, हर कोई बारिश की प्रतीक्षा कर रहा है। उसी टाइम जो बादल है वो जो आसमान है वो काले रंग के बादल में छा जाते हैं। और बारिश होती है तब छोटे छोटे बच्चे जो है वो नाचने और गाने लगते हैं। फिर उसके बाद ठंड आती है। उसके नीचे न्यू वर्ड्स जो मैंने आपको सिखा दिए थे, फिर लेट्स रीड वो भी सिखा दिए थे। जो क्वेश्चन और इसके आंसर मैंने आपको लिखवाए थे 4, वो आपको फिर से मैं आपको समझाता हूँ और जो आंसर है वो भी आपको सुनाता हूँ। रीडिंग इज फन। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? स्काई का कलर कौन सा है? तो आपको पता होगा कि स्काई का कलर कौन सा था, आसमान का कलर कौन सा था। तो आसमान का कलर ब्लू कलर का था। तो द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। फिर इसके नीचे व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग? बादल क्या लाते हैं? बादल क्या लाते हैं? तो बादल बारिश लाते हैं। तो इसका आंसर है क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल बारिश लाते हैं। उसके नीचे व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन? बारिश लाने वाले बादलों का रंग कौन सा है, कैसा है? बारिश लाने वाले बादलों का रंग कैसा है? तो कैसा होगा? तो इसका आंसर है द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन इज ब्लैक और डार्क ग्रे। ब्लैक और डार्क ग्रे की तरह उसका क्लाउड, उसके बादल का रंग वैसा होता है। तो आपने वो देखा होगा कि जब आसमान पर आप देखते हो कि जो बादल है वो ग्रे कलर के या ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से अनुमान लगा दोगे आज बारिश होने वाली है। तो आपने वो भी प्रैक्टिकल आपने किया है और आपने वो आसमान के अंदर देख के भी आप कह सकते हैं। तो वो भी मैंने आपने किया है। फिर इसके नीचे डू यू लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन? क्या आपको बारिश में नाचना और गाना पसंद है? तो यस, आई लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन। व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन? बारिश में आप कौन सी चीज़ से सूखते हो? आप कौन सी चीज़ से सुखा सकते हो? तो आपको पता होगा कि बारिश के टाइम अम्ब्रेला है और सेकंड नंबर पर रेनकोट, वो दो चीज़ की मदद से हम जो अपने आप को सुखा सकते हो। तो इसका आंसर है अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स कीप अस ड्राई इन द रेन। उसके बाद जो हमारा यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे, अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 99 ओपन करो। पेज नंबर 99, लेट्स शेयर। वो भी आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? बारिश में आप क्या करना पसंद करोगे?
स्टे इन, घर में रहना, ऑब्लिक गो आउट, बाहर निकला। तो आप बारिश के टाइम दोनों में से क्या करना पसंद करोगे, कि आप घर में रहना पसंद करोगे या बाहर निकलना पसंद करोगे? तो आप बाहर निकलना ज़्यादा पसंद करोगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर है आई लाइक टू गो आउट व्हेन इट रेन्स। बारिश में हम बाहर निकलना पसंद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, डू यू लाइक पडल्स? क्या आप बारिश में, पडल मींस जो कीचड़ है उसके अंदर आप मस्ती करते हो, उसको कहते हैं पडल। क्या आप बारिश में कीचड़ में छप छप करना पसंद करोगे, जहाँ पर ज़्यादा पानी, एक खड्डा है इसमें ज़्यादा पानी भर जाता है, तो आप इसके अंदर बैठकर या खड़े होकर आप ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे जो पैर है वो पानी के अंदर छप छप करते हो, जो करता है तो वहाँ पर आपको लिखना है यस, जो नहीं करता वहाँ पर आपको लिखना है नो। उसको वन टाइम पॉप उसको बोलते हैं कीचड़ के अंदर। सेकंड नंबर का आंसर है नो, नो आई डोंट लाइक पडल्स। तो सेकंड का आंसर आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद उसके नीचे द अदर सीजंस इन इंडिया आर हॉट एंड कोल्ड, डिस्क्राइब इन योर लैंग्वेज विच सीजन यू लाइक द बेस्ट। नाउ कैन यू से दिस इन इंग्लिश? इंडिया में जो मौसम गर्म और ठंडे, गर्मी का मौसम है और ठंडा ठंडी का मौसम है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है और कौन सा सीजन आपको अच्छा लगता है, कौन सा मौसम आपको अच्छा लगता है, वो जो इसका आंसर लिखेंगे वो आपको इसको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में कहना है। तो थर्ड का आंसर हम लिखेंगे,
थर्ड का आंसर है आई लाइक रेनी सीजन द मोस्ट आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स वी मेक पेपर बोट्स एंड फ्लोट देम ऑन द वॉटर आई लाइक हिटिंग रेंट इन द रेन मुझे रेनी मीन्स बारिश का मौसम सबसे अच्छा लगता है और मैं अपने फ्रेंडों के साथ खेलता हूँ और मैं पेपर की बोट बनाता हूँ और पानी में तैरने के लिए छोड़ता हूँ और आई लाइक गेटिंग ड्रेंच्ड इन द रेन और बारिश में मैं भीगना पसंद करता हूँ। तो थर्ड का आंसर आप लिख सकते हो उसके बाद ट्रेस अलोंग द डॉट आपको इस प्रकार अमरीले का पिक्चर ड्रॉ करके दिया है। आपको इसको इसी तरह ट्रेस करना है तो आप ये आपके लिए होप भर गए। नेक्स्ट पेज से अलावा जोर से बोलना है तो वर्ड्स दिए गए सारे के सारे वो आपको जोर से बोलना है कॉट डॉट हॉट पॉट क्राई ड्राई फ्लाई स्काई इस तरह आपको बाकी के वर्ड्स जोर से बोलना है। उसके नीचे मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर आपको पिक्चर देख के उसके साथ जो वर्ड्स आता है वो आपको मैच करना है। इसी प्रकार आपको दिया है इसी प्रकार आपको ड्रॉ करके दिया है तो आप रेन बारिश का आती है तो उसके सामने बारिश वाला पिक्चर कौन सा देगा थर्ड नंबर तो उसके सामने मैच करेंगे। फिर चिल्ड्रन डांसिंग तो बच्चे डांस कहाँ कर रहे हैं तो लास्ट में तो उसके सामने मैच करेंगे। फिर गाना कहाँ ये फिर क्लाउड्स बादल तो आया बादल ये रहे फिर लास्ट में स्काई तो इस प्रकार आपको मैच करना है। मैंने आपको मैच कर दिया तो इसी प्रकार आपको मैच करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज लेट्स रीड एंड राइट वो आपको एम से लेके आर तक आपको अपने हिसाब से लिखना है। फिर इसके बाद ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स है तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा आई कैन रीड माय नेम आपका नाम रीड करना है
माई नेम इज, वहां पर लिखा है माई नेम इज। माई नेम इज, तो वहां पर आपको अपना नाम लिखना है, आपका खुद का नाम लिखना है, जैसे कि हसन। हसन अली लिखना है, फिर कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स का नाम लिखना है, तो वहां पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है। तो इसके नीचे आई एम अ ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हो, आप जितने भी साल के हो, तो वहां पर आपको सिक्स साल के हो तो सिक्स लिखना है, फाइव तो फाइव, तो यहाँ पर हम सिक्स लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर इसके नीचे आई कैन राइट माई एड्रेस, आपका एड्रेस लिखना है, जैसे कि मैं मेरे एयरपोर्ट आदिगढ़ जैसे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मैंने मेरा एड्रेस लिखा, आपको वहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपको आपके गांव का नाम लिखना है, तो एड्रेस आपको अपने हिसाब से लिखना है। फिर उसके नीचे आई कैन काउंट, आप कितने काउंट कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40 या 50, तो कितने काउंट कर सकते हो, तो हम लोग 50 काउंट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर लिखेंगे 50। फिर उसके बाद माई टीचर्स नेम इज, आपके टीचर का नाम लिखना है वहाँ पर, आपके टीचर का नाम जो भी है वो आपको लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मेरा नाम ऐसा। फिर उसके बाद आई स्टडी इन क्लास ब्लैंक, कौन से क्लास में, तो फर्स्ट, तो वहां पर लिखेंगे आप वन। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आपका स्कूल का नाम लिखना है आपको वहां पर, आप जो जो स्कूल में पढ़ते हो वहां पर आपको लिखना है, तो यहां पर आप लिखेंगे बॉर्डर इंग्लिश मीडियम स्कूल बसु, बॉर्डर इंग्लिश मीडियम स्कूल बसु। इट इज इन ब्लैंक सिटी, आप कौन से सिटी में रहते हो, तो पालमपुर, तो वहां पर आपको लिखना है पालमपुर। आपको यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है मॉडर्न मीडियम मॉडर्न इंग्लिश मीडियम। फिर इसके बाद लास्ट में आपको पालमपुर लिखना है, तो आपको इस प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट टू था, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आनंदीस रेम्बो, वो मैं आपको वो सिखाऊंगा। रेम्बो आपको पता है कि हम जो आस बादल मुँह से निकलते उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म चानी यानी पिनारा, तो उसको बोलते हैं रेम्बो, तो वो हम उसकी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आपको वो सिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।